नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश भर में धूमधाम से दिवाली का त्योहार मनाया गया। इस दौरान बैन के बावजूद राजधानी समेत सभी शहरों में खूब पटाखों की आतिशबाजियों की गूंज सुनाई दी। पूजा करने के बाद लोग सड़कों पर या फिर अपनी छतों पर पटाखे चलाते हुए भी नजर आए, जिसके बाद अब दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स बद से बदतर हो चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। देर रात तक कई शहर पटाखों की आवाज से गूंज रहे थे, लेकिन दिवाली की रात को जिस तरीके से दिल्ली की आवो हवा में आतिशबाजी ने प्रदूषण फैलाया, उसे देखकर कहा जा सकता है कि राजधानी में खुलेआम नहीं पर गुपचुप तरीके से जमकर पटाखे की बिक्री हुई है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 के आंकड़ों को पार कर चुका है। दरअसल राजधानी में 1 जनवरी 2022 तक पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध के बावजूद साउथ दिल्ली के लाजपत नगर, उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी, पश्चिमी दिल्ली के पश्चिम विहार और पूर्वी दिल्ली के शादरा में शाम 7 बजे से पटाखे जलाए जाने के मामले सामने आए हैं। वहीं गुरुग्राम और फरीदाबाद में उच्च तीव्रता के पटाखे चलाए गए। हरियाणा सरकार ने भी दिल्ली से सटे क्षेत्रों समेत 14 जिलों में पटाखे की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया था। एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होने से लोगों का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। ये तो हर साल की का फीचर है, दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत बढ़ जाता है। अब यह है कि कम से कम पॉल्यूशन मेकिंग जो असेट्स हैं या जो भी गाड़ियां हैं वगैरह हैं उनको कम से कम चलाया जाए, और कोशिश करें कि वो पैदल चलें या वॉक करें या साइकिलिंग वगैरह, ये सब भी एक अन्य उपाय हैं इसके लिए। दिस ऑनगोइंग अफेयर, इट्स बिकम अ ईयरली फेस्टिवल ऑफ सॉर्ट्स व्हिच नो वन वांट्स। सेंटर ब्लेम स्टेट, स्टेट ब्लेम सेंटर, बट इवेंचुअली हु इज सफरिंग? इट इज वी द कॉमन सिटीजंस। वी हैव माय आई हैव यंग किड्स, दे सफर ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, अर्ली मॉर्निंग वॉकर्स, माय पेरेंट्स आल्सो सफर। सो वन हैज टू फाइंड अ परमानेंट सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम रादर देन दिस। बता दें कि NCR के ज्यादातर इलाकों में प्रदूषण एक बार फिर से अपने टॉप पर पहुंच गया है। वहीं फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुरुग्राम और नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार पहुंच गया है, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। जहां जनपद में PM2.5 की सांद्रता 655.07 थी, पूरी दिल्ली सुबह सुबह गैस के चैम्बर में तब्दील हुई नजर आई, जिसके बाद यहां कई लोगों ने गले में खुजली और आंखों से पानी आने की शिकायत की है। केंद्र की ओर से संचालित वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली के अनुसार रविवार शाम तक हवा की गुणवत्ता में सुधार नहीं होगा। फिलहाल सुधार बहुत खराब श्रेणी में उतार चढ़ाव करेगा। उत्तर पश्चिम हवाएं पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने के कारण उठने वाले धुएं को दिल्ली की तरफ भी ला सकती हैं। सफर के मुताबिक 7 नवंबर की शाम तक ही कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब की श्रेणी में रहने की उम्मीद जताई जा रही है। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। जय हिंद।